गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मेरा जो है टॉपिक बहुत अहम है और मैं अपने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो स्पेशली फॉर वुमेन्स, ये वीडियो खास तौर पर लेडीज के लिए जो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ है, जो भी जॉब करती हैं, बट ये है कि उनका वास्ता किचन से जरूर पड़ता रहता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं मॉर्निंग में जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले काम हमारा यही होता है किचन में जाना और खुद भी रेडी होना होता है, बच्चों को भी रेडी करके स्कूल भेजना होता है। सो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि स्पेशली फॉर लेडीज जिनको बच्चों को स्कूल पर टाइम भेजना होता है तो उनको काम की टेंशन होती है कि वो जल्द से जल्द काम करें। तो मेरे साथ भी यही होता है, मैं जैसे फ़ौरन मॉर्निंग उठने के बाद किचन में जाती हूँ और जो है नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऐसा ही हुआ, जब मैं मॉर्निंग उठी तो मुझे स्मेल आई कि गैस की स्मेल आई, तो मैंने जाके देखा कि गैस फुल प्रेशर से जो है निकल रही है, लेकिन चूल्हा बंद था और रूम भी चार तरह से कवर था। अगर मैं खुदा ना खास्ता वहाँ पे स्विच ऑन करती या माचिस जलाती तो आग वो जो है बहुत बुरी तरह से लग सकती थी। और गैस के चूल्हे के पास ही मेरा जो है सिलेंडर भी फिल था, क्योंकि एज यूजुअल सबको पता है पाकिस्तान में गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जो लेडीज हैं वो जो वो सिलेंडर भी फिल करा के रखती हैं ताकि कभी गैस ना हो तो बच्चों के लिए खाना बनाने में प्रॉब्लम ना हो तो हम गैस का चूल्हा इस्तेमाल कर लें। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरा फुल सिलेंडर गैस का भी वहाँ रखा हुआ था और जो है मुझे अगर स्मेल ना आती और मैं माचिस जलाती तो वो गैस बहुत आग बहुत बुरी तरह से भड़क जाती और मुझे नहीं लगता कि मेरा बचना पॉसिबल होता या मैं आज आपसे बात कर रही होती। ये अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने करम किया, मेरी माँ की दुआ दीजिए जो मैं इस टाइम आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। और आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गैस जो है बहुत ज़्यादा गैस की स्मेल आ रही है, तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिए, रूम के दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ वगैरह खोल दी ताकि जो गैस है वो निकल जाए। उसके आधा घंटा वेट किया, आफ्टर दैट मैंने जो है चूल्हा ऑन किया। वो चूल्हा खोलने से पहले भी मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब एक डर बैठ गया था कि अल्लाह ताला ने मुझे मौजूदी तौर पर बचा लिया, अगर वो मैं स्मेल ना मुझे आती और मैं फटाफट से, मेरे साथ यही होता है कि मुझे लेट हो रही होती हूँ और जो है रात में नींद भी पूरी नहीं होती तो मैं फौरन से जाके फ्लेम ऑन कर देती हूँ और चाय का बर्तन रख देती हूँ। जब तक मेरी चाय रेडी हो तो मैं नाश्ते के लिए आटा वाटा गूंदना, जो भी दूसरा काम है मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि मुझे स्मेल आई और मैं चूल्हा माचिस जलाने वाली थी लेकिन मैं वो स्टॉप हो गई। सो मेरा ये मैसेज तमाम लेडीज के लिए है कि खास तौर पे क्योंकि कराची में ये सबसे गैस इशू, कराची में ओवरऑल पाकिस्तान में गैस इशूज बहुत ज़्यादा है। मोस्टली एरियाज में जो है रात को 12 o'clock, आफ्टर 10 o'clock और 12 o'clock गैस बंद कर दी जाती है, गैस कनेक्शन ऑफ कर दिया जाता है। सो लेडीज़ जो है अगर लेट नाइट उनको कोई काम करना तो वो चूल्हा खोलती हैं, जब चेक करती हैं कि गैस नहीं आ रही तो वो उसको बंद करना भूल जाती हैं, या तो फिर अगर ऑलरेडी हमारे चूल्हे पे कुछ रखा हुआ होता है, दूध बॉयल हो रहा था, जो भी काम हम कर रहे होते हैं और गैस कनेक्शन पीछे से वो ऑफ कर देते हैं, हम देखते हैं कि भाई चूल्हा तो बंद है और हम अपना सामान वगैरह हटा देते हैं और हम गौर नहीं करते कि वो बटन भी बंद है या नहीं है। सो खास तौर पर रात में सोने से पहले आप अच्छी तरह गैस का बटन वगैरह चूल्हे के चेक कर लिया किच करें कि वो ऑफ है या नहीं। और जब आप सुबह मॉर्निंग में उठें तो मेरी तरह, मतलब माचिस जलाने से पहले मेरा ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैं स्मेल करूँ, या मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता ये कहने के, मैं फटाफट से बस जो है जल्दी जल्दी से काम करती हूँ, बट अल्लाह ताला ने उस दिन मेरी ज़िंदगी रखनी थी तो मैंने जो है मुझे स्मेल आ गई और मैंने तो फिर मैंने देख लिया कि फुल जो है गैस आ रही है बट चूल्हा ऑन नहीं है। सो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबको गैस के बटन जो आ रहा है खास तौर पर चेक करके सोएं रात में लेट नाइट जब भी आप सोएं, और सुबह उठने से पहले माचिस जलाने से पहले खुदारा ये देख लीजिएगा कि गैस लीक तो नहीं हो रही है, आ तो नहीं, या आप गैस खुली छोड़ तो नहीं दी थी आपने रात में, ये सब चेक कर लें तसल्ली से। उसके बाद जो है माचिस आप हाथ में लें, उससे पहले जाते के साथ ही किचन में माचिस हरगिज ना लें। कुछ टाइम पहले अभी ये सुनने में आया था कि जो अभी मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं है सिटी का, कि एक घर में तीन फ्लोर थे, सब जगह आग लग गई थी और 10 से 12 अफराद की डेथ हो गई थी। सो उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे गैस सिलेंडर, वो गैस वाला कंप्रेसर था फ्रिज का, वो फट गया और फिर ऐसा ही कहा कि वहाँ पे गैस सिलेंडर ऑलरेडी फिल रखा हुआ था, तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ होगा वहाँ पे, क्योंकि सब लोगों की डेथ हो गई। वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, किस तरह आग लगी और किस तरह आग फैली है कोई बताने वाला वहाँ है नहीं, मुझे लगता है जहाँ तक कि सेम ऐसा ही सीन हुआ होगा कि गैस जो है रात में खुली छोड़ दी होगी और किचन में जाके किसी ने माचिस जलाई होगी और ऑलरेडी किचन में हर घर में पाकिस्तान में आई थिंक हर घर में गैस कनेक्शन होने के बावजूद भी सिलेंडर अवेलेबल होता है, क्योंकि गैस में गवर्नमेंट हमारी जो है वो ना है अहल हो चुकी है
गैस का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ जो है अपनी जिंदगी, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि रात में सोने से पहले सारे गैस कनेक्शन वगैरह जो भी है चूल्हे वगैरह चेक कर लें, और मॉर्निंग में उठने से पहले माचिस हाथ में लेने से पहले खुदारा चेक कर लीजिएगा कि आपके चूल्हे वगैरह खुले तो नहीं रह गए। सो आई होप आपको मेरे छोटे सा मैसेज पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।